सर पार्टी टू एनी विजन या फिर उसने कोई हेल्प करी या सर ही डिड नॉट अटेंडेड द समन या yeah, फिर उसके डॉक्यूमेंट मंगाया डॉक्यूमेंट वगैरह उसने सबमिट नहीं किए तो पेनल्टी में एक्सटेंड टू टू अप अंडर अब सर सर देना बोगस बिल के ट्रांजेक्शन जिसने बोगस बिल का ट्रांजेक्शन किया उसके लिए सर्कुलर पीछे दे रखा है उसके हम पेनल्टी की बात करेंगे पर सर अगर कोई पर्सन था जिसने बोगस बिलिंग का जिसके एट हुज इंस्टेंस द बोगस बिल का ट्रांजेक्शन कंडक्ट किया था जैसे कंसल्टेंट हो गया जिसके इंस्टेंस पे आपने बोगस बिल के ट्रांजेक्शन किए जिसने हेल्प करी एंड सर अल्टीमेटली रिटर्न बेनिफिट आउट ऑफ दस आउट ऑफ दिस तो ऐसे केस में उस पर्सन पर भी

हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो और अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो आप सप्लाई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जब तक आपका टेन और ट्वेंटी लेख क्रॉस नहीं होता है आपके पास यूनिक एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए प्लस अगर आप गुड सप्लाई करते हो और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम भी ले रखा है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर सकते हो बस कंडीशन थी क्या इंटरसेट सप्लाई वगैरह नहीं कर सकते बच्चों हाँ ना भाई तो वहां पर इसी को बोल दिया क्या कॉरस्पोडिंग सेक्शन इंसर्ट किया और बोल दिया क्या कि सर जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन से दे रखा है, उस की कंडीशन सारी फॉलो हुई तो ही आपके थ्रू सप्लाई अलाउ करना इंटर सर सप्लाई अलाउ मत कर देना और सर आप जब अपना जीएसटी आर एड सबमिट करोगे उनमें जो ट्रांजेक्शन इस इस तरह के लोगों ने किए हैं, वो सब डिस्क्लोज करना नहीं तो सर पे भी पेनल्टी लगी कितनी बेटा अमाउंट ऑफ रुपीज टेन और उंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व हायर तक की पेनल्टी लगेगी किस पर बच्चो ईसीओ पे भी, भी बेटा सर नॉर्मल टैक्स की रेट से जो टैक्स बनता था वो और दस हज़ार ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आइए बच्चों सेक्शन ट्वेंटी जनल्टी बोलता है क्या अगर कोई ऑफेंस जिसके लिए अलग से पेनल्टी नहीं दे रखी है सेक्शन वन ट्वेंटी टू में तो सर वहां पर इस पेनल्टी में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पच्चीस हजार तक पेनल्टी लग सकता है जनरल टू पेल्टी की सर पेनल्टी इंपोज करते वक्त अगर माइनर ऑफेंस है माइनर ब्रीच अगर है माइनर ब्रीच मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स इनवल्ड इज लेस देन रुपीज फाइव थाउजेंड या फिर केवल डॉक्यूमेंटेशन एरर है तो ऐसे केस में सर वहां पेनल्टी नहीं लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा नो पेनल्टी कैन भी इंपोज इन सच केसेज सेकेंड ये बोलते हैं मालिक क्या कि अगर

सर मतलब उसने खुद ने आके बताया है कि मेरे से गलती हो गई है ये ऑफेंस मैंने किया तो ऐसे केस में इट शुड द पेनल्टी पेनल्टी थोड़ी कम करनी चाहिए अमाउंट पेनल्टी फिक्स की हंड्रेड परसेंट एंडी अमाउंट टू नहीं लिखा है तो ऐसे केस में सच केसेस बी एक्सक्लूडेड क्योंकि हाथ तो में कोई डिस्कशन ही नहीं आइए सर सेक्शन सेवन बोलता है मालिक क्या, certain, है क्या? कि सर अगर कोई पर्सन सेक्शन नंबर 62, 63, 64 थ्री सेवेंटी फोर वन टू में कवर नहीं है पर ही इज ऑल्सो पार्टी टू एन ऑफेंस उसने भी हेल्प किया है कहीं कही ना कहीं तो ऐसे केस में उस पे भी पेनल्टी चार्ज हो सकता है हा है ना भाई और पेनल्टी चार्ज होगा तो कितना होगा जो हमने ऊपर पढ़ा बेटा कितना पच्चीस हजार रुपए तक पेनल्टी इस परसेंट पे चार्ज हो सकता है आइए सेक्शन वन ट्वेंटी बोलता है पावर टू वेव द पेनल्टी और फी और बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो अगर जेन्युन केसेस लगते हैं उनको तो पेनल्टीज को लेट फाइलिंग फी को सर वेव भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं बेटा अब सेक्शन दिस इज वेरी वेरी

डॉक्यूमेंट्स को और कैनवेस को सीज कर ले और सीज अगर कर लिया उन्होंने एक बार तो सर ऐसे केस में आपको एक बार नोटिस इश्यू किया जाएगा नोटिस के बाद वो ऑर्डर सर्व करेंगे ऑर्डर के अंदर पेनल्टी होगा अब पेनल्टी कितना होगा बच्चों सर पे... सर, पे... सर पेनल्टी का अमाउंट आप पे करोगे तो ही आपकी गुड्स रिलीज करेंगे सर पेनल्टी अमाउंट कितना होगा डिपेंड्स क्या ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड इफ द ऑनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी अमाउंट विल बी 200 परसेंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्ड मतलब सर जो टैक्स इन्वॉल्व था उसका डबल आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा प्लस एग्जेंप्टेड गुड्स अगर है तो जैसे कि इसमें 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और पीस 25000 व्हिच एवर इज लोअर इज द पेनल्टी अमाउंट मतलब मैक्सिमम 25000 तक की पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट सेम इक्वल पेनल्टी विल बी चार्ज अंडर ए जीएसटी एक्ट आल्सो बेटा सरकार मतलब अगर आईजीएसटी एक्ट हुआ था तो सर ऐसे केस में फोर परसेंट ऑफ वैल्यू हो जाएगा बेटा क्योंकि वैल्यू का फोर परसेंट हो जाएगा टू परसेंट था आई तो जी में फोर वैल्यू और पचास हजार तो में फिफ्टी परसेंट ऑफ द गुड्स और टू हंड्रेड परसेंट दैक्स इज हायर शेल बी दिनल्टी का इन केस ऑफ एक्सप्टेड गुड्स इट विल बी फाइव परसेंट ऑफ दैलू ऑफ ट्वेंटी पेनल्टी का अमाउंट

बात को समझने को बड़ा अच्छा पॉइंट है सर अगर पर्सन ऑफ़ तो कन्वेंस को लगता है कि साहब गुड्स में गड़बड़ थी मेरे ड्राइवर मेरे मेरे ट्रक में तो कोई गड़बड़ नहीं थी मेरे सर इन गुड्स को आप रोक लो मेरे कन्वेंस को तो छोड़ दो अगर आपको कन्वेंस को छोड़ाना तो ऐसे में ट्रांसपोर्टर को बोल दिया क्या वन लेख रुपये और अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो हमने ऊपर पड़ी वो विच इज लेस पे करो और अपना गुड्स अपना ट्रक लेके जाओ गुड्स या छोड़ दो बेटा तो सर प्रैक्टिकली बात करो दो लाख तक का पेनल्टी बेटा अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो हमने ऊपर पड़ी वो या दो लाख रुपए प्रैक्टिकली बेटा क्योंकि सी जी एस टी है वन लेखाज लोअर अमाउंट ऑफ पेनल्टी इतना वो पे करेगा ट्रांसपोर्ट अपनी सके ले जा सकता है अगर सर पेनल्टी सर उस गुड्स वाले ने पेनल्टी नहीं पे करी तो सर ये अपना ट्रक छोड़ाना तो ये कर सकता है काम क्लियर फर्दर अगर गुड्स हैजार्डियस हेजार्स ने या पेंशन नेचर के तो ऐसे केस में विदाउट वेटिंग फॉर दी 15 डेज टाइम लिमिट डिपार्टमेंट कैन डिस्पोज ऑफ द गुड्स और ऐसे केस में पंद्रह दिन का इंतजार पंद्रह दिन का इंतजार किए भी नहीं सर ऑफिसर क्या कर सकता है इन गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है क्लियर डन आइए रूल नंबर वन ए बोलता है कि सर अगर मान लो सर फिफ्टीन डेज जब ऑर्डर पास हुआ शोको सर्व किया विद इन सेवन डेज उसके साथ दिन में ऑर्डर पास किया उसके 15 डेज में सर कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहा तो ऐसे केस में उन गुड्स को और ट्रक को डिस्पोज ऑफ करके बेच के पैसा रिकवरी कर सकता कैसे रिकवरी होगा किस तरह से बेचेंगे सर उसके लिए यहां सेक्शन रूल नंबर वन ए इंसर्ट किया और बोल दिया सर, अगर आपने ऑर्डर सर होने के 15 डेज के अंदर गुड्स को रिलीज नहीं करवाया या पेनल्टी वगैरह पे नहीं कराया तो ऐसे केस में सर हम क्या करेंगे उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके पैसा रिकवरी करेंगे पैसा रिकवरी करने के लिए डिस्पोजल कैसे होगा कैसे सेल करेंगे सर इसका ई ऑप्शन होगा ई ऑप्शन के लिए डिपार्टमेंट एक बार इन गुड्स का और कन्वेंस का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेगा मार्केट वैल्यू कितना होगा और उसके लिए ई e ऑप्शन का तैयारी करेगा नोटिस इशू करेंगे ऑप्शन का, का बेटा ताकि जो सबमिट कर पाए बेटा अब सर अगर मान लो सर ई e नोटिस देने से पहले नोटिस फॉर ई ऑप्शन देने से पहले ही अगर वो एस या ओनर ऑफ द गुड्स आ जाता है और गुड्स के लिए ओनर ऑफ द गुड्स पेनल्टी का अमाउंट पे कर देता तो ऐसे केस में ऑक्शन के प्रोसीजर को रोक दिया जाएगा और गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे एस को बेटा सर पर अगर अच्छा ध्यान देन देना बेटा जहां पंद्रह दिन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं वहां पर पे अगर है, गुड्स तो हर जगह टाइम लिमिट के द्वारा अब पॉइंट आता है क्या अगर सर आ, आपने सर

अभी भी कोई भी गुड्स प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के रिकवरी के केस में अगर अमाउंट रिलाइज होता है डिपार्टमेंट को तो सबसे पहले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स तो था फॉर रिकवरी प्रोसेसर उसमें वो अमाउंट अपोर्शन किया जाएगा उसके बाद सर अगर कोई पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन सेक्शन थ्री वो रिकवरी होती है उसके बाद एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर द जीएसटी भले वो सी जीटी हो एस जीएसटी हो आई जी एस टी हो, हो सर वो अमाउंट वहां दिया जाता है और बैलेंस अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व ऑफ द कैशसी में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और अगर रजिस्टर्ड नहीं है और ट्रेसेबल अमाउंट अगर वो रजिस्टर नहीं तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और अगर वो ट्रेसेबल भी नहीं है तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड विद इन पीरियड ऑफ सिक्स मंथ क्लियर जिस दिन वो गुड्स बेची उसके छह महीने के अंदर इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड भारत माता की जय सरकार आइए सेक्शन नंबर वन कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी अगर कभी भी

द पर्सन चार्जेज ऑफ द कन्विंस या जो ओनर ऑफ द गुड्स था उनको एक फाइन पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसको बोलते हैं फाइन इन ली ऑफ कॉन्फिस्केशन की रिडमशन फाइन पे करो आपके गुड्स हम दे देंगे आपको वापस से सर और ये फाइन आप डिपार्टमेंट को पे कर दो पर अमाउंट ऑफ रशन फाइन शेल नॉट इस क्वेश्चन एग्जाम बना हुआ बेटा सर द अमाउंट ऑफ बेटाउंशन फाइन फॉर गुड्स शेल नॉट एक्सेप्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स चार्जेबल बेटा कॉस्ट ऑफ द गुड्स मतलब नहीं है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स वो लेस करेंगे जो अमाउंट आएगा दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडमशन फाइन बट मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडम फाइन कैन नॉट बी लेस देन 100% परसेंट ऑफ टैक्स पेबल मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडमशन लेस देन हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स पेबल बेटा मैक्सिमम कितना हो सकता है मार्केट वैल्यू गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स मिनिमम कितना होगा हंड्रेड परसेंट टेक्स पेल बेटा एंसर कन्विंस कन्वेंस को रिलीज करने के लिए रिडमशन फन कैन बी मैक्सिमम हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स पेबल बेटा क्लियर तो जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करते हो उसमें जो टैक्स पेबल था उतना उतना आपको क्या पे करना पड़ेगा रिडमशन फाइन पे करना पड़ेगा तब तो जाके आपकी ट्रक या कन्वे जो है वो रिलीज कर दी जाएगी और हाँ देना रिडमशन फाइन का ऑप्शन आपको दिया गया है ये तीन महीने में ऑप्शन ऑप्ट कर लेना तीन महीने में अगर आपने रिडमशन फाइन पे करके गुड्स नहीं लिया तो ऐसे केस में फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा सर उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके

पनिशमेंट आप पे नहीं लगेगा जैसे जेल के प्रोविजन आगे दे रखे हैं या किसी और लॉ में कोई और प्रोविजन अट्रैक्ट होता है पेनल्टी के वो सब भी अट्रैक्ट होंगे ही होंगे कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स आइए वन थर्टी टू पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंस वेरी वेरी गुड सेक्शन बेटा इसमें जेल के बारे में बात कही हुई है वैसे खैर आपको तो आता ही होगा जेल के बारे में सर क्योंकि आपका काम तो डेफिनेटली पड़ता ही होगा रेगुलर बेस पे बेटा हाँ ना भाई ओ ध्यान से पढ़ाई करो सर पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंसिस अब अगेन यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑफेंस दे रखा है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ देखिए

सर दो करोड़ या उससे कम अमाउंट है तो कोई इंप्रिजमेंट के प्रोविजन नहीं है केवल एक केस में इंप्रिजमेंट के है सर बोगस 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 इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ओनली इन इन केस ऑफ ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड बी दैट इज इनवॉइस इनवॉइस आपने अगर तो ऐसे तो केस में अगर अमाउंट इवन इफ एक्सीडिंग वन करोड़ है अप टू करोड़ है तो भी जेल होगा कितना अप टू वन ईयर पर ध्यान देना बेटा बोगस बिल के अलावा कोई भी अगर केस है तो अमाउंट ऑफ टैक्स इविजन अगर एक्सीडिंग रुपीज टू करोड़ है तो ही इंप्रिजमेंट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं और एक करोड़ से अगर

सर आपने उस ऑफेंस को वापस रिपीट किया सेम ऑफेंस को so sir, sir, तुम्हें तो फॉर जेल सेकंड होगी जेल, अब ऐसे में, जेल है रिपीट ऑफेंस अगर हुआ तो अब देना बेटा जीएसटी है सर यहाँ पे आपने सर कोई किसी का मर्डर तो किया नहीं ना बेटा इसलिए सारे ऑफेंसेस अंडर जीएसटी आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस ध्यान देना बच्चा नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस क्या होता है बच्चों ध्यान देना बेटा नॉन ऑफेंस मतलब रिलेटिवली लेस सीरियस ऑफेंस इन रेस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मेक द अरेस्ट विदाउट अ वारंट मतलब वहां पे अरेस्ट वारंट चाहिए क्लियर एंड एन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर चाहिए तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा प्लस यहां पर जो भी नॉन कॉन्ग्रेजल एंड नॉन कॉन्ग्रेजे ऑफेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा बेलेबल ऑफेंस होते हैं और अगर ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है कोई बात नहीं अगर ऑफेंस नॉन मतलब बेलेबल है वहाँ पे बेल असिस्टेंट कमिश्नर बेटा पर अगर सर देना ये सारे ऑफेंसेज अंडर जीएसटी पर चार ऑफेंसेज अंडर जीएसटी आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस चार ऑफेंस कौन कौन से बेटा क्लोज नंबर ए बी सी डी में बेटा ध्यान A, B, C, D, a, रे बेटा सर सब और ये चार ऑफेंसेज हमेशा सर यहां पर बेल नहीं मिलेगी अरेस्ट क्लियर और जुडिडिक्शनल मजिस्ट्रेट होता है वहां प्रोड्यूस किया जाता है विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड देन मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि इसको जेल में फिट करना है या रिलीज करना है बेटा अब सुनना बात को ध्यान से दो आर नॉन अवेलेबल ऑफेंस पर ये चार ऑफेंस तभी ये चार ऑफेंसेज जो है वो

टू अरेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका बेटा आपको कमिश्नर के पास पावर है ही कैन ऑथराइज अरेस्ट ऑफ एनी ऑफ दी पर्सन अगर उसने ऑफेंसेस कमिट किए तो जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा अब सेफ गार्ड फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस अंडर अरेस्ट सर

सर ये पावर दे रखा उसको एंड सारे प्रोविजंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेसर के यहाँ अप्लाई होंगे वाइल अरेस्टिंग द अक्यूज पर्सन आइए 134 बोलता है कॉग्लिज ऑफ ऑफेंस बेटा सर ध्यान बेटा सर कोई भी कोर्ट सर इस एक्ट के अंदर जब भी पनिशमेंट होता है बेटा इम्प्रिजमेंट के प्रोविजन होते हैं वहां पर प्रायर सेंक्शन ऑफ दी कमिश्नर होगा तभी जाके जेल होगी बेटा एंड सर मजिस्ट्रेट

ले रखा है कि कल्पेबल मेंटल स्टेट तो एसएससी का था ही था अनलेस ही प्रूव इट अदरवाइज मतलब पर ये बर्डन डाल दिया वो प्रूव करे कि वो उसका मेंटल स्टेट कल्पेबल नहीं था उसका बोनाफाइड मेंटल स्टेट था ये जिम्मेदारी किसकी बेटा एसएससी की बेटा आइए सर आता है क्या? 136, अगर आपने कभी भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन समन इशू किया था स्टेटमेंट तो दिया था तो स्टेटमेंट आपने दिया अगेंस्ट यू और हाँ ऐसे केस में बोल दिया क्या अगर वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिया था इफ इज फाउंड टू बी डेड या फिर वो सर गुमशुदा है मतलब वो अंडरग्राउंड हो गया है एप्सकोन हो गया है या फिर कोर्ट को लगता है कि सर उस पर्सन की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसे केस में जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि उसमें जो लिखा था वो सच लिखा था और जो आपने सर उसमें बोला है दैट विल बी एक्सेप्ट एजेंड एविडेंस अगेंस्ट यू अनलेस वो पर्सन आके प्रूव नहीं करता था कि ये गलत है तो बेटा ठीक है आइए वन थर्टी सेवन बोलता है कि ऑफेंसेज बाय कंपनीज अगर कभी भी कोई कंपनी कोई ऑफेंस करती है तो ऐसे केस में उसके जो डायरेक्टर्स है सेक्रेटरीज से, है से, मैनेजर्स से, है every person or any other officer who was in charge of the conducting the day-to-day -day routine business of the company, उन सब पे offences लगेंगे, उन सब पे jail के provision attract होंगे, ठीक है? Unless उनमें से कोई prove कर दे कि मैं personally involved नहीं था, उसका sir कोई gross negligence नहीं था, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ये imprisonment के provision apply होंगे, और जहाँ जहाँ person कंपनी का माया वहाँ पार्टनरशिप हम एल एल पी एच एफ ट्रस्ट एओपी और बीओ इन सब पे भी अप्लाई होंगे और जहां डायरेक्टर काम है वहां पर पार्टनर करता मैनेजिंग ट्रस्टी विल भी कंसिडर कि वो लोग इन्वॉल्व थे बेटा हाँ है ना भाई ये सारे प्रोविजन उन पर लगेंगे आ रहा है क्या सर वन थर्टी एट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज सर कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है मान लो किसी पर्सन को जेल का प्रोविजन अट्रैक्ट हो गया तो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स या आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग वो पर्सन जिसको जेल होने वाली है या जेल हो गई है वो कमिश्नर को अप्रोच कर सकता है और कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो उस पर्सन को ऑन पेमेंट ऑफ फीस जेल माफ कर दे बेटा उसको उसको बोलते कंपाउंडिंग फी पे करना इन ली ऑफ सर अरेस्ट अब सर कंपाउंडिंग फी अगर आपने पे करा तो ऐसे केस में इमेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा पर सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट परमिशिबल इन दी ंग ऑफेंसेज फर्स्ट अर्स हू एजिन कमिटेड हुउड टू कंपाउंड वन इन रेस्पेक्ट एन ऑफ दी ऑफेंस स्पेशल इन क्लोज नंबर ए टू एफ एच एंड आई ऑफ सेक्शन सारी ऑफेंस सेक्शन सेक्शन वन में है उनमें एक बार आपको हो गया तो बाद में कभी भी कंपाउंडिंग लाइफ में अलाउ नहीं होगा सेकंड क्लोज के के में वन थर्टी टू सब सेक्शन वन ये बोलता है पकड़ा गए तो सर कंपाउंडिंग कभी लाइफ में नहीं होगा बेटा आपका अगर बोगस बिल इशू किए तो तर, सर थर्ड अगर आपको एक बार कोर्ट ने कभी कन्वर्ट किया हुआ है तो ऐसे केस में जेल तो आपका सेकंड में बेटा वहां जाइए मस्त रहिए खाना खाइए मस्त रहिए ना हो पाएगा एंड लास्ट एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन और बी प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट चाहे तो प्रिस्क्राइब कर पाएगा प्लस बेटा कंपाउंडिंग जो ना एक कंपाउंडिंग को छोड़ने के लिए बेटा बाकी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पहले पूरा पे करो उसके बाद कंपाउंडिंग अप्लाई करना पड़ेगा बेटा आपको क्लियर डन सर बेटा फर्दर एनी प्रोसीडिंग अलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शेल नॉट अफेक्ट इफ एनी विच आर इंस्टीट्यूट अंडर एनी किसी और लो में अगर आपने ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रही है तो सर वहां का मैटर अलग है तो जीएसटी वाला कंपाउंडिंग होगा बेटा आपका ठीक है पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करिए उसके बाद आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करिए अब कंपाउंडिंग फी कितना होगा द कंपाउंडिंग अमाउंट बी मिनिमम एंड मैक्सम हंड्रेड परन्वॉल्व इज द कंपाउंडिंग अमाउंट दूंट देना बच्चों इन सब प्रोविजन को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि इनके बिना कई बार एग्जाम में दिक्कत आती है बहुत सारे बच्चे इन प्रोविजन को नहीं पढ़ते और एग्जाम के अंदर इनके क्वेश्चन बनते हैं बहुत सीधे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं अब सर मिनिमम कैन बी ट्वेंटी फाइव परसेंट मैक्सम कैन भी हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इवॉल्ड कैन भी कंपाउंडिंग ऑफ फी

ऑफेंस क्लोज नंबर ए सी डी और ई वाला अगर ऑफेंस था तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग फी कितना होगा बेटा मिनिमम 50% परसेंट एंड मैक्सिम सेवेंटी फाइव अमाउंट ऑफ टैक्स और अमाउंट ऑफ दैक्स रॉन्गली अवेल्ड और और अमाउंट ऑफ रिफंड यूटिलाइजली बेटा सर मिनिमम कितना है 50% मैक्सिमम 75% बेटा सरकार यह है क्या कंपाउंडिंग फी

सर वो वाला कंपाउंडिंग फी आपको पे करना पड़ेगा तब जाके आपका सर रिलीज होगा प्रोसिक्यूशन बंद होगा बेटा क्लियर डन ये कंपाउंडिंग फी का काउंट देगा बहुत बेटा पर इनको छोड़ने का नहीं एग्जाम से बात अच्छा और कंपाउंडिंग फी जो अपनी डेटमेंट होगी उसको आपको तीस दिन पे करना पड़ेगा और थर्टी डेज में सारा पेमेंट पे करके फिर प्रोसीडिंग्स क्या होगी बेटा अपडेट हो जाएगी आपके अगेंस्ट ओके डन सरकार आइए एक लास्ट सर्कुलर पढ़ते हैं बोगस बिल के केस में किस पे पेनल्टी लगेगा देखिए सर बोगस बिल के केस में अगर आप ट्रांजेक्शन में फंस गए तो सर पकड़ा गया तो ये फंस गया छूट नहीं पाएगा तो जो पर्सन बोगस बिल इश्यू कर रहा है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ तो उस पर्सन पे बोल दिया क्या पेनल्टी अंडर सेक्शन टू सब सेक्शन टू लगेगी यहाँ पे सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर नहीं लगेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हुआ सप्लाई नहीं हुआ तो लेवी नहीं हुआ लेवी नहीं हुआ तो लाइब्रेड नहीं है लाइबरी नहीं तो शॉर्ट पेमेंट शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट शॉर्ट लेवी नॉन लेवी वाला मैटर नहीं है इसे सेक्शन 74 नहीं लगेगा 74 नहीं लगेगा तो ऐसे केस में सेक्शन वन ट्वेंटी अगर आपने बोगस बिल के बेस पेट नंबर थ्री हम पढ़ रहे बोगस बिल के बेस में आपने आईटीसी अवेल किया और अवेल करके उसने आपकी एक्चुअल लाइवी को पे करने कि तो बोगस बिल के क्रेडिट को यूज किया तो में, ये शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया तो यहां सेवेंटी फोर लग गया और सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर अगर लग गया ये वाला केस पड़े बेटा क्लियर द वन हु एक्चुअली यूटिलाइजेज द Wrong on the basis of bill तो ऐसे में शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट किया है और, पर का और बोगस बिल दिया सर जो बीस में शेल कंपनी होती है और बोगस बिल वापस आए इट इज आगे पास ऑन कर देती केस में सर सेवेंटी थी सेवेंटी फोर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल सप्लाई नहीं होता नहीं है लाइब्रेड नहीं है तो सर नॉन पेमेंट, पेमेंट शॉर्ट की बात आएगी नहीं तो यहाँ पे ऐसे केस में सेक्शन वन लगेगा अब इसमें दो क्लोजेक्ट हो रहे हैं, दो क्लोज नंबर टू और क्लोज नंबर सेवन दोनों टू क्यों आपने बोगस बिल इशू किया और यहाँ पे हंड्रेड परसेंट टैक्स इनवोल्व क्लोज नंबर टू में लगेगा और हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इन्वोल्ड क्लोज नंबर सेवन की वजह से लगेगा अमाउंट ऑफ ऑफ बोगस बिल लिया और बोगस बिल दिया क्लियर डन और जनरल बेटा जो पर्सन इन्वॉल्व था जिसकी डायरेक्शन पे जिसके इंस्ट्रक्शन पे जिसके इंस्टेंसेस पे आपने वो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व किया उस पर भी सेक्शन टू सन ए की पेनल्टी लगेगी विच इज हंड्रेड परसेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट इनवॉल्व अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व बोगस बिल के बेस पर क्रेडिट पास ऑन किया है वो पेनल्टी उस पर्सन पर भी लगेगी जिसके डायरेक्शन पे आपने ये काम किया प्लस अगर अमाउंट ऑफ टैक्स रुपीज टू करोड़ अपू रुपीज फाइव करोड़ था तीन साल तक की जेल सर अप टू रुपीज

बिफोर एग्जाम्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड सर जब आप रिविजन कर रहे हो उसको दो तीन बार सुन लिया तो सर भारत माता की जय जाए हो जाएगी एंडर बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल और अगर आपने लेक्चर को देख लिया ढंग से दो तीन बार तो सर कारनामा सेट हो जाएगा ये सारे चैप्टर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं अच्छे से नहीं पढ़ते अगर आपने इनके दो तीन बार रिवीजन लेक्चर देख लिए सर पूरा माहौल सेट हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत शानदार आएंगे एंड सर माहौल बन जाएगा आपके रिजल्ट्स में ऑल द बेस्ट गाइज मस्त होके पढ़िए खुश होकर पढ़िए विच इज मोर इंपॉर्टेंट लव यू लॉट बाय बाय